इस मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि पहले के दौर में इंसान और मॉन्स्टर साथ में मिलकर रहा करते थे और उन लोगों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी रहा करती थी, लेकिन वक्त गुजरता जाता है और इंसानों ने मॉन्स्टर के अगेंस्ट बगावत करके जंग की शुरुआत कर दी थी। इस वजह से इंसान और मॉन्स्टर अलग अलग रहने लगे थे। कुछ सालों बाद मॉन्स्टर ने पुराने मॉन्स्टर किंग को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब वो क्वीन को मारने वाला था, क्योंकि क्वीन के मरने के बाद वो मॉन्स्टर्स का नया किंग बन जाएगा। क्वीन के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो क्वीन को उस मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बोला जा रहा था कि क्वीन का जो बेबी न्यू बोर्न होगा वो दोबारा से इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान रिश्ते को पहले की तरह मजबूत कर देगा। इसी वजह से उस किंग ने अपने बॉडीगार्ड्स को क्वीन को मारने भेजा था। क्वीन के बॉडीगार्ड्स जब उस मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं तो वो उस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस फाइट में गार्ड्स उस मॉन्स्टर को वहीं पर फंसाकर वहां से निकल जाते हैं। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा। इस शख्स का नाम सांग होता है। ग्रैंड मदर उसे राब्ता करती हैं कि उसके डैड कितने अच्छे मॉन्स्टर हंटर थे, उन्होंने इस तलवार की हेल्प से न जाने कितने ही मॉन्स्टर्स को हराकर उन्हें कैद कर लिया था। बाद में वो सैम को जंग लगी तलवार देती है और साथ ही वो उसे बताती है कि ये तलवार उसे बेहतर मॉन्स्टर हंटर बनने में मदद करेगी, लेकिन अब क्योंकि तलवार जंग लगी होती है इस वजह से उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि स्वॉर्ड उसे अच्छा मॉन्स्टर हंटर बना पाएगी। बाद में वो रिवर के पास जाता है जहां पर उसे दो लोग मिलते हैं जो कि उससे खाने के बारे में पूछते हैं। अब क्योंकि वो शख्स अच्छे दिल का होता है, इसी वजह से वो उन दोनों लोगों को घर पर ले आता है। दरअसल ये दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि क्वीन के बॉडीगार्ड्स ही थे। उसी दरमियान ही वहाँ पर एक और लेडी आ जाती है जो कि उन लोगों को काफी अजीब तरीके से देख रही होती है। दरअसल वो लेडी मॉन्स्टर हंटर थी, इसी वजह से उसे शक होता है कि ये लोग इंसान की शक्ल में मॉन्स्टर हैं। इस बात का एहसास होते ही वो लोग भी उस पर अटैक कर देते हैं। इस वजह से उन दोनों लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पर एक और मॉन्स्टर हंटर आ जाता है जो कि उन दोनों लोगों को पकड़ लेता है। बाद में सैन उससे इन सब के बारे में सवालात करता है, जिस पर वो उसे बताती है कि असल में वो मॉन्स्टर हंटर हैं, जो कि मॉन्स्टर को सेल करके अच्छा पैसा कमाती हैं। हर बार की तरह वो आज भी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन आज उसके रास्ते में दूसरा मॉन्स्टर हंटर आ गया जो कि उन मॉन्स्टर को वहाँ से ले गया। नाइट में ये दोनों जब नींद में होते हैं तब वहाँ पर क्वीन आती है जो कि सैम को वहाँ से ले जाती है। अब क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड थी और उसकी लाइफ का भी कोई भी ठिकाना नहीं था, इसी वजह से वो अपने बच्चे को सैम के बॉडी में डाल देती है और इसके साथ ही वो उसे उसके बच्चे की हिफाजत करने का कहती है, जिसके बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। इसके चंद पलों बाद ही वहाँ जायंट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उन पर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ठीक वक्त पर वहाँ पर फीमेल शख्स भी आ जाती हैं, जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती हैं, जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। वो लेडी सैन के स्टमक में मॉन्स्टर के बच्चे को देखकर ये प्लान बनाती हैं कि जब ये बच्चा बोर्न होगा तब वो लोग उसे काफी अच्छे कीमत में सेल कर देंगे, जिससे उन लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। उस लेडी की इस बात पर वो शख्स भी अग्री हो जाता है। बाद में उस लेडी से मिलने वही शख्स आता है जो कि उन दोनों मॉन्स्टर को उससे छीन के ले गया था। वो उस लेडी को बताता है कि वो दोनों मॉन्स्टर उसे चकमा देकर भाग चुके हैं, इसी वजह से वो इस बार क्वीन के बच्चे को पकड़कर सेल करना चाहता है ताकि इससे उसे काफी अच्छा प्रॉफिट हो। इस बात से वो लेडी उस शख्स के साथ वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो मॉन्स्टर को लेकर भाग जाए। उसी दौरान ही वहाँ जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, जिस वजह से वो शख्स उसे रोकने में बिजी हो जाता है। वो उस पर काफी अटैक करता है और उसके सारे दांतों को ही बॉडी से अलग कर देता है।
इन सब के बीच ही उसे फील होता है कि वो लेडी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग गई है। इधर वो लोग काफी लंबा सफर तय करके होटल में पहुँच जाते हैं। सॉन्ग के स्टमक में काफी ज्यादा पेन हो रही थी, इसी वजह से वो लेडी अकेले ही नीचे खाना खाने चली जाती हैं, जिसके बाद दोनों गार्ड्स वहां आकर उसे बेहोश कर देते हैं और वो उसे लेकर वहां से जा रहे होते हैं। इतनी ही देर में वो लेडी भी वहां पर आ जाती हैं, जो कि उन स्पेल्स की वजह से उन दोनों को ही फ्रीज कर देती है। बाद में सैन को काफी ज्यादा पेन होने लगती है क्योंकि बेबी उसकी बॉडी से बाहर आने वाला था। कुछ पलों बाद वो बच्चा सैन के माउथ से बाहर निकलता है। ये देखकर दूसरी लेडी जो कि वहाँ से गुजर रही होती हैं, वो बेहोश हो जाती है। बाद में उसे जब होश आता है तो उसे वहाँ पर वो बच्चा कहीं भी नजर नहीं आता है, जिस वजह से उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है। वो बेबी मॉन्स्टर काफी ज्यादा प्यार था। बाद में वो दोनों उस बच्चे को दूसरी प्लेस पर ले आते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उस बच्चे की हेल्थ तो काफी ज्यादा खराब है, यानी उसे काफी तेज बुखार है। इसी वजह से वो उस बेबी मॉन्स्टर की काफी ज्यादा केयर करते हैं ताकि वो मॉन्स्टर जल्द से जल्द सही हो जाए, और ऐसा होता भी है। टाइम के साथ वो बिल्कुल सही हो जाता है। उस बच्चे को काफी तेज भूख लगी हुई थी, इसी वजह से ही वो सैन की बॉडी से ब्लड को ही पीने लगता है। इससे सैन को काफी ज्यादा पेन होने लगती है। इसी वजह से सैन उस मॉन्स्टर को शाकाहारी चीजें जैसे कि खजूर खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो मॉन्स्टर भड़क जाता है और वो उन पर ही अटैक करने लगता है। वक्त गुजरने के साथ उन्हें उस बच्चे से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है, यानी वो उस बच्चे से काफी ज्यादा अटैच हो जाते हैं। वो उस मॉन्स्टर का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे जैसे ही रख रहे थे, क्योंकि इस मॉन्स्टर के साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें उस मॉन्स्टर से अपने बच्चे जैसी वाइब्स ही आने लगी थी। अब क्योंकि वो मॉन्स्टर बड़ा हो गया होता है, इसी वजह से वो उसे मार्केट में सेल करने का डिसाइड करते हैं और वो उसे लेकर उस शॉप में आ जाते हैं। शॉप की ओनर उस मॉन्स्टर को वहीं पर कैद कर लेती हैं और इसके बदले उन्हें काफी सारे पैसे देती है। उस केज के बाहर उन्होंने उस चिट को लगा दिया होता है, जिससे जब भी वो मॉन्स्टर केज को टच करता था तो उसे काफी तेज करंट लगता था। बेबी मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो उन लोगों से दूर हो, लेकिन अब क्योंकि उन लोगों ने उसे सेल कर दिया होता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस डील से वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इन पैसों से कई ज्यादा जरूरत उन्हें उस मॉन्स्टर की होती है। इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डिस्कशन के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो उस ओनर के सारे पैसे लौटाकर बेबी मॉन्स्टर को वापस से ले आएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो ओनर उन्हें बताती हैं कि उसने सिटी में होने वाली सबसे बड़ी मॉन्स्टर पार्टी में उसे सेल कर दिया है। अगर उन्हें बेबी मॉन्स्टर को सेव करना है तो उन्हें जल्दी ही करनी होगी, क्योंकि वो लोग उस मॉन्स्टर को डिनर में रखने वाले हैं। इधर शेफ उस मॉन्स्टर को पकाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन लोगों के कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था और न ही इतनी कोशिशों के बाद वो उसे कुक कर पाए थे। इसी वजह से शेफ उसे बिना पकाए ही उसे किंग के पास खाने के लिए भेज देती हैं। उस प्लेस पर वो दोनों भी बेबी मॉन्स्टर को सेव करने आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही मॉन्स्टर हंटर मौजूद होता है जो कि उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जल्द ही वो लोग उसे हरा देते हैं। बाद में वो लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को खाने वाले थे। बाद में वहाँ सैन की ग्रैंड मदर भी आ जाती हैं। इन सबके दरमियान ही वो बेबी मॉन्स्टर को आजाद कर देता है, लेकिन किंग उन सबको पकड़ लेता है और वो सैंग से उस बच्चे को लाने का कहता है। तब सैंग उस बच्चे को खजूर खिला देता है, जिस वजह से वो बच्चा फिर से भड़क जाता है और वो उन सब पर अटैक करने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि असल में वो किंग नहीं था, बल्कि वो तो मॉन्स्टर का लीडर था, जो कि यहाँ पर पुराने किंग के सारे साथियों को खत्म करने के लिए रह रहा होता है। बाद में वो मॉन्स्टर काफी बड़ा होकर उन पर अटैक कर देता है, इसी वजह से ग्रैंड मदर उसे स्वॉर्ड देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर स्वॉर्ड से सैन ही मार देता है।
बाद में बेबी मॉन्स्टर स्वॉर्ड को उसकी बॉडी से अलैदा करता है, जिसके बाद ही सैंग में काफी ज्यादा पावर आ जाती है। बाद में वो उस स्वॉर्ड की हेल्प से उसे मार देता है। फर्स्ट सीन में वो दोनों बेबी मॉन्स्टर को बाकी मॉन्स्टर के साथ ही रहने का कहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।